नमस्कार, मैं बनवारी लाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के शुकवाहाबाद मैनपुरी रोड स्थित संत जनु बाबा स्मारक महाविद्यालय में अखिल भारतीय यादव महासभा का अपना प्रांतीय महासम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रीय, प्रदेशीय और मंडलीय पदाधिकारियों के साथ साथ यादव समाज को गौरवान्वित करने वाली अनेकों हस्तियों ने शिरकत की। सम्मेलन को यादव समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सम्मेलन के मुख्य अतिथि महेश यादव सहित अनेकों पदाधिकारियों द्वारा संबोधित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र एवं दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गीत के साथ किया गया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने समाज को एकजुट करने, समाज में फैली बुराइयों को समाप्त करने की बात कही। सम्मेलन में यादव समाज के अधिकारों और यादव समाज के उज्ज्वल भविष्य पर गंभीरता से मंथन किया गया। समाज को ताकतवर बनाने के लिए सभी ने अपने अपने विचार रखे। यादव समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता करने और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने में हर संभव सहायता करने की बात कही गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय व प्रदेशीय पदाधिकारियों, जिले के अध्यक्षों, यादव समाज के प्रतिभाओं और यादव समाज के हितों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश यादव ने की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि महेश यादव ने यादव समाज के इतिहास पर प्रकाश डाला और आगे उन्होंने कहा कि अब समाज को जागरूक होने की ज़रूरत है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राम कैलाश यादव ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने तथा समाज को शिक्षित करने का संकल्प दिलाया। आगे उन्होंने कहा कि जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा, तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दाढ़ेगा। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि तथा अखिल भारतीय यादव महासभा की राष्ट्रीय महासचिव, महिला मोर्चा कराटे कल्याणी यादव, प्रसिद्ध अभिनेत्री एवं गायिका दक्षिण भारत ने समाज पर प्रकाश डाला और एक धार्मिक भजन भी प्रस्तुत किया। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी समाज पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान करने वाले प्रतिभागियों, साहित्यकारों, खिलाड़ियों तथा समाजसेवियों, पूर्व सैनिकों, प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, सभासद, पार्षद आदि यादव समाज के 1000 से अधिक प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अनिल यादव, नीतू यादव, शिशुपाल सिंह यादव, इंजीनियर रामबरीश यादव, अजय यादव, शिव प्रताप यादव, डॉक्टर रजनी यादव, IAS आशीष यादव, भूप सिंह यादव, राजेंद्र यादव, किशन पाल सिंह यादव, नंदनी यादव, गोपाल यादव, सीमा यादव के अलावा पूरे प्रदेश से लगभग हजारों की संख्या में यादव बंधु मौजूद। कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर राम कैलाश यादव ने सभी का आभार व्यक्त किया। तो देखते रहिए C20 न्यूज का प्रांतीय सम्मेलन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह होने हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेश यादव जी यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ समाज की भिन्न भिन्न प्रतियोगिताओं को सम्मानित किया गया और सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही समाज को बौद्धिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से समुत्थान के लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, इस पर चिंतन और मंथन किया गया। मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे प्रदेश के सम्मानित सभी पदाधिकारियों को और पूरे जनपद से आए हुए अपने सजातीय बंधुओं को, जिन्होंने इतनी तादाद में आकर के हमारा मान और सम्मान बढ़ाया है। मैं कोट कोट बधाई देता हूँ। आदरणीय श्री शिव प्रताप जी को भी बहुत बहुत बधाई कि इन्होंने आकर के यहाँ इस सम्मेलन में 4 चांद लगाए हैं। मैं उनको कोट कोट बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य उद्देश्य हमारा सबसे बड़ा यही है कि यादव समाज को एकत्रित करना और उन्हें उजागर करना। जो कुरीतियाँ हैं, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जो समाज हमारा पिछड़ा जा रहा है, उसको इकट्ठा करके, समायोजित होकर के उनमें संस्कार, शिक्षा, संगत ये सारे प्रवेश करके एक नई ऊर्जा देना। ठीक है।